हे फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पत्ती पापड़ी। पत्ती पापड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी मैदा लिया है। हमने यहाँ पे डाल दिया है एक चम्मच घी, स्वाद अनुसार नमक। अब हम यहाँ पे डाल देंगे कलौंजी और अब हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे डो को 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद आप डो देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी लोई काटेंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नाइफ की सहायता से लोई काट लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगाएंगे मैदे का और इसे अच्छी तरीके से बेलेंगे। अब हमने यहाँ पे इसे गोल शेप में बेल लिया है। अब हम यहाँ पे इसे नाइफ की सहायता से कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पानी लगा रहे हैं। पानी लगाने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। हमें यहाँ पे इसे ऐसे फोल्ड करना है कि इससे एक पत्ती का शेप बने। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे इसे फोल्ड कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसे नीचे से अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले ना। ऐसे ही हम सारी पत्ती पापड़ी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ पापड़ी बना ली है। इसके बाद हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और हमने पैन में ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल को हम बिल्कुल मीडियम गर्म करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि हमारा ऑयल कितना गर्म हुआ है। हमें यहाँ पे ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब हमारा ऑयल परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे सारी पत्ती पापड़ी डाल देंगे एक एक करके। फ्रेंड्स, आपको गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। अगर आप गैस की फ्लेम को लो रखेंगे तो आपकी जो पापड़ी है वो अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी। तो अब यहाँ पे हम इसे पलट देंगे एक बार। ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब फ्रेंड्स, जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे और जो हमारी पत्ती पापड़ी है वो बनके एकदम तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे और कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पत्ती पापड़ी की प्लेटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पे बीच में फ्लावर बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।